हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथकॉम। और मैथकॉम लेके आ गया है वेक्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आज हम डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को वेक्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले करवा दिए हैं, दो लेक्चर में है। अगर आपने फॉर्मूले नहीं देखे तो उन फॉर्मूलेज को देख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैक्टर चैप्टर अपने आप में काफ़ी ईजी है, बट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो वो वैक्टर चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। वो यहाँ में देखोगे आप ए डॉट बी का, ए क्रॉस बी का, मोड ऑफ ए के फॉर्मूले ही इधर उधर घूम के सारे काम आ रहे हैं। तो उन फॉर्मूलेस को आप जाके अच्छे से देख लीजिए, उन्हें रिवाइज कर लीजिए। अब बात करता हूँ मैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं और 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है डॉट प्रोडक्ट में। तो ये वाला जो वीडियो है ये 12th के बच्चों के लिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल इंडिया, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी के सिलेबस में है। और आइए स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि दो वैक्टर हमें गिवन है, ए और वैक्टर बी। इन दोनों वेक्टर के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के जो फॉर्मूले हैं पिछले लेक्चर में आप जाके देखोगे, दो फॉर्मूले दिखाई देंगे। एक कोस थीटा का, कोस थीटा का फॉर्मूला था ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। इसी तरह एक और फॉर्मूला आपको दिखाई देगा आप जाके देखोगे तो, साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला है मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अब इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लगा के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बट हमें एग्जाम में ध्यान रखना है जब तक वो साइन थीटा नहीं बोले, साइन एंगल फाइंड करने को नहीं बोले, हमें वो फॉर्मूला अवॉइड करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन हमें कोस थीटा वाले फॉर्मूले से ही सोल्व करना है। वापस सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन पेपर में बोलता है कि साइन एंगल फाइंड कीजिए तभी साइन वाला फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज हमें कोस वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम भी इसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है वो, पहले ए डॉट बी फाइंड कर लो। तो ए डॉट बी फाइंड करने के लिए ए डॉट बी का फॉर्मूला बता रखा है मैंने, ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। पिछले लेक्चर में जाके देखो या फिर मुझे बताओ कि ए वन क्या है, ए वन क्या है, ए वन फोर है। मेरे साथ बोलते चलिए, बोलते चलने से क्या होगा कि आपका रिविजन होता रहेगा और आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी निकालने के लिए फॉर्मूला ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री। ए वन क्या है बोलिए, फोर, वेरी गुड। ए टू क्या है, टू। ए बी वन क्या है, सॉरी ए टू क्या है हमारे पास, थ्री। बी टू क्या है, माइनस का वन। ए थ्री क्या है, वन। और बी थ्री क्या है, टू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया एट, ये माइनस थ्री, ये प्लस का टू। एट प्लस टू कितना हो गया, सेवन। सेवन माइनस थ्री, एट प्लस टू कितना हो गया, टेन। टेन माइनस थ्री कितना आ गया, सेवन। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ए डॉट बी हमने सोल्व कर लिया। अब उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था कि घूम फिर के सारे फॉर्मूले वही आ रहे हैं, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी। तो इन फॉर्मूले को देख लेना आप। मोड ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, याद करो, नहीं याद है तो पिछला लेक्चर जाके चेक कीजिए। ए वन स्क्वायर, ए टू स्क्वायर, ए थ्री स्क्वायर। अब ए वन ए टू ए थ्री क्या है, आई जे के कोफिशियंट है। तो इसमें वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, फोर का स्क्वायर 16, थ्री का स्क्वायर 9 और वन का स्क्वायर 1। तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 और 16 कितना हो जाएगा, 26, रूट 26। ये क्या आ गया, मोड ऑफ ए। और इसी तरह मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मोड ऑफ बी भी दिखाई दे रहा है। तो मोड ऑफ बी भी फाइंड कर लेते हैं, मोड ऑफ बी यहाँ फाइंड कर लेते हैं हम लोग। मोड ऑफ बी आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ, बोलो, बी वन स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर, और प्लस वन का स्क्वायर है, माइनस वन होगा लेकिन माइनस का स्क्वायर होने से क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वन हो जाएगा या टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, चार और चार आठ और एक नौ, नौ का कितना आ जाएगा, तीन। तो वैल्यू पुट कर दो मुझे यहाँ पे सारी वैल्यूज, ए डॉट बी मुझे मिल गया सेवन, मोड ऑफ ए मिल गया, मोड ऑफ ए कहाँ गया, मोड ऑफ ए ये रहा रूट 26, मोड ऑफ बी मिल गया थ्री। तो कोस थीटा मेरे पास आ जाएगा, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आप, ए डॉट बी कितना है, सेवन अपॉन रूट 26 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री। तो ये क्या आ गया आपका आंसर।
तो इतने ही आसान सारे क्वेश्चन है। देखो कितने स्टेप में हो गया, दो से चार स्टेप में हो जाता है क्वेश्चन। केवल हमें क्या याद रखना है, फॉर्मूले याद रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फॉर्मूले याद कर लीजिए तो आपके लिए अब अच्छा होगा, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आप वीडियो में जाके देखेंगे, वीडियो का जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को लाइक कर लीजिए, वहाँ पे ऐड हो जाइए। उससे क्या होगा, अगर कोई PDF वगैरह नोट्स वगैरह आपको रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर मुझे बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डालता रहूँगा रेगुलरली। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं और हमें लेमडा फाइंड करना है। कब, जब ए और बी दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो याद करो ए और बी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है। इस तरह दे रखा है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक कंडीशन मैंने बताई थी, याद करो क्या कंडीशन है वो, हाँ, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ए डॉट बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। वापस वही फॉर्मूला, ए डॉट बी का क्या है बोलो, A1B1, A2B2, A3B3। तो A1 कितना है मेरे पास, 2, B1 कितना है, 4, A2 कितना है, लेमड़ा, B2 कितना है, माइनस का 2, A3 कितना है, 1, और B3 कितना है, माइनस का 2, इक्वल टू कितना है, 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे लेमड़ा निकालना है, आपके लिए आसान हो गया है। देखो कितना कैसे होगा, 2 4 8, ये माइनस का 2 लेमड़ा, ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, मुझे जिसका वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसको इधर ही रखते हैं। पहले तो सेम कास्ट वाले देखो, ये दोनों सेम कास्ट वाले हैं, ये अदर कास्ट का है तो अभी भी अदर कास्ट में मेरी अलाउ नहीं है, तो सेम कास्ट वाले को सोल्व कर लो। 8 प्लस का 2 माइनस का कितना बच जाएगा, 6, किसका बचेगा, प्लस का। तो माइनस का 2 लेमड़ा प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमड़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 लेमड़ा के साथ ज़्यादा क्या दिख रहा है, 6, उसको इधर भेजा माइनस का 6, तो लेमड़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 6/2 मतलब 3। तो आंसर क्या है हमारे पास, 3 आंसर आ गया। तो दो क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए हैं, दोनों क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हो तो आप अपने लिए वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको चैनल के वीडियो समझ में आ रहे हैं, आपने दोनों क्वेश्चन समझ लिए हैं तो आप अपने लिए एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक और कमेंट करते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं आपके लिए नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस लेते आऊँगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि ये LHS गिवन है, ये RHS गिवन है, LHS को सोल्व करके मुझे RHS की वैल्यू चाहिए। ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है, उसी को यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। LHS लिया, LHS में क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद आप लोग जानते हो कि ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन कैसे कराते हैं, ए का सबसे पहले ए प्लस बी के साथ, फिर बी का ए प्लस बी के साथ, ये सारे वेक्टर है, ये वेक्टर, 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 है ना। अब ए का इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, यहाँ क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। और एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों एड हो जाएंगे, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। देखो ये तो नहीं लाना था, ये लाना था, तो ये क्या हो गया, हैंस रूल। अब कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को देख लिया, आप लोगों ने समझ में लिया है, अब आराम से क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन अगर आप सोल्व करके नहीं जाते हो तो आपको लगता है कि ये क्या आ गया, ऐसा वेक्टर में क्वेश्चन आता है क्या, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट ये आसान है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें दे रखा है दो वेक्टर है ए और बी, इन दोनों का ऐड करके उसका मोड लिया और ए और बी का माइनस करके उसका मोड लिया, तो दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो हमें प्रूव करना है ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे, मतलब परपेंडिकुलर है। इस केस में जब ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या आ रहा है, उसका मोड इक्वल आ रहा है।
तो सबसे पहले क्या करो, जो गिवन है उसे ले लो। एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ये ध्यान रखना है, सबसे पहले गिवन लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर सिंप्लीफाई करो, तो 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं और 6 मार्क्स कोई रोक नहीं सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो पूरा आंसर तक उसको सही करना है। आप सोचते हैं कि स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, तो स्टेप्स के मार्क्स जनरली मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल में कि डिप्लोमा में तो नहीं मिलते हैं, इसीलिए इतने सारे बैक्साती बाकी तो निकल जाते हैं, क्योंकि आप आंसर जब तक सही नहीं लाएंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। ये देखिए, ये आपको गिवन है। अब क्या करूं मैं, मोड होता है तो रूट भी होता है, ये रहा रूट, ये मोड है तो ये रूट भी है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं। तो जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करता हूं तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ओपन करो, बचपन से पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसको भी ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सारी टर्म्स एक तरफ लेके आ जाते हैं हम, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उधर से इधर पॉजिटिव होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, इधर नेगेटिव है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कट रहा है, हाँ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दो गधे, और दो गधे कितने गधे हो जाएंगे, 4 गधे, तो ये क्या हो गया 4ab इक्वल टू 0। और हमने पढ़ा था कि a डॉट b अगर 0 आता है तो वेक्टर a क्या है, वेक्टर b के परपेंडिकुलर है, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने 4 क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के कर लिए हैं, अब आगे के क्वेश्चंस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद इन 4 क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 5th क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्या कह रहा है कि हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं a b c, ये तीनों वेक्टर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड से। क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत आसान तरीके से इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और मैथ्स को आपको लेना है गेम की तरह लेना है, और उस गेम को समझ स्टेप्स को समझते जाओ, आजकल बहुत ज़्यादा खेल रहे हो ना पबजी, वही पबजी की तरह लेना है, और स्टेप्स को समझते जाओगे तो आप आराम से होता जाएगा। पबजी में भी एक बार स्टेप्स क्लियर नहीं होती है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्लियर होती है, नेक्स्ट स्टेप क्लियर होती है, तो क्या होता है प्रैक्टिस है। तो मैथ्स भी क्या है, गेम है, आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आगे बढ़ोगे। आओ स्टार्ट करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से ये प्रूव करना है मुझे। तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड प्रूव करने के लिए 2 केसेस हमें सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे वेक्टर में। पहला केस क्या कहता है कि एडिशन ऑफ एनी 2 वेक्टर इज इक्वल टू 3rd वेक्टर। हिटन ट्रायल मेथड अपनाना है, किन्हीं भी 2 का एडिशन किसके इक्वल आना चाहिए, 3rd वेक्टर के इक्वल आना चाहिए, ये इस कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ये तीनों वेक्टर जो है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से। तो PGT भी यही कहती है कि इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल है, और इन दोनों का डॉट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आओ देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए और बी को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर रहे हैं, तो कैसे ऐड करेंगे, 3i माइनस 2j प्लस k, इसके साथ वेक्टर है i माइनस 3j प्लस 5k, ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, कितने i, 4i माइनस का 2 माइनस 3 माइनस का 5j प्लस का 6k। क्या वेक्टर c के इक्वल है, नहीं है, तो ये कंडीशन तो नहीं हो रही है। अगला वाला चेक करते हैं, बी और सी को ऐड करके कोशिश करते हैं, बी प्लस सी किया मैंने, तो बी प्लस सी क्या, बी मेरे पास क्या है, आई माइनस 3j प्लस 5k, सी क्या है 2i प्लस जे माइनस का 4k। सोल्व करो क्या हो जाएगा, 3i
ये माइनस का 3 प्लस का, जो प्लस माइनस माइनस, माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का k आ जाएगा। क्या ये a के इक्वल है? हाँ ये a के इक्वल है। तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वेक्टर b प्लस सी इज इक्वल टू a आ रहा है। तो ये एक कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई करा दी। दूसरा केस क्या कह रहा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले a और b का डॉट करा के देखते हैं हम, a डॉट b सोल्व करके देखा। तो फॉर्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट का, ए वन बी वन, ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री। तो क्या हो जाएगा बोलो, थ्री वन प्लस माइनस का टू माइनस का थ्री प्लस वन फाइव। सोल्व करो इसको तो कितना आ जाएगा, थ्री माइनस माइनस क्या होता है प्लस सिक्स प्लस का फाइव। ये कहीं से भी जीरो के इक्वल आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, बी और सी को डॉट कराने की कोशिश करता हूँ। बी डॉट सी कराया तो बी डॉट सी कराया तो क्या हो जाएगा, वन टू प्लस माइनस का थ्री वन प्लस फाइव माइनस का फोर। ये क्या हो जाएगा, टू माइनस थ्री माइनस के माइनस के ट्वेंटी। तो ये भी कहीं से नहीं दिख रहा है मुझे जीरो के जीरो आता हुआ। एक काम करता हूँ सी और ए को डॉट कराते हैं। सी और ए को डॉट कराया तो ए कितना है मेरे पास, थ्री टू माइनस का टू वन और वन माइनस का फोर। सोल्व करो इसको क्या आएगा, ये आ जाएगा सिक्स माइनस टू माइनस का फोर। ये क्या होगा, सिक्स माइनस सिक्स कितना आ गया जीरो। तो सी डॉट ए जीरो के इक्वल है। तो हमने क्या किया, ये वाला केस और ये वाला केस दोनों केस सोल्व कर दिए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लिख सकते हैं, हेंस वेक्टर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आज के बाद ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। और गलत कैसे नहीं होगा, एक क्वेश्चन और लीजिए इसके बेस पे बेस्ड, उसको सोल्व कर लीजिए तो वो कभी भी आप नहीं भूलोगे। आज कर लिया, एक बार और कर लो तो नहीं भूलोगे। आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ओवर बी निकालना है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। अगर मुझे प्रोजेक्शन इस तरह से प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं, एक वेक्टर बी दे रखा है, यहाँ पे एक वेक्टर ए दे रखा है, इसका प्रोजेक्शन निकालना मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये है, इसको इसके ऊपर सुलाया, तो वो कहलाता है प्रोजेक्शन कहलाता है। तो प्रोजेक्शन ए ओवर बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी, और बी ओवर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या समझ में आया, जो यहाँ पे होगा वो नीचे आ जाएगा, जो यहाँ पे होगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमें ए और बी निकालना है तो बी नीचे आएगा, ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी कैसे निकालोगे, ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री। सोल्व करो, फाइव माइनस माइनस प्लस का एट प्लस का सेवन। तो ए डॉट बी आ जाएगा मेरे पास आठ सात पंद्रह और पाँच बीस। और उसके अलावा मोड ऑफ बी चाहिए मुझे, तो मोड ऑफ बी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ बी वन स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर मतलब सिक्सटीन प्लस फोर माइनस ऑफ बड़ी हो, यहाँ प्लस ही लगाना है स्क्वायर में, सिक्सटीन प्लस फोर्टी नाइन। ये क्या हो जाएगा, सिक्सटी फोर प्लस फोर्टी नाइन। तो सिक्सटी फोर प्लस फोर्टी नाइन कितना हो जाएगा, सोलह और सोलह थर्टी टू प्लस फोर्टी नाइन, सॉरी थर्टी टू प्लस फोर्टी नाइन हो जाएगा। थर्टी टू और फोर्टी नाइन क्या हो जाएगा, फिफ्टी, फिफ्टी और थर्टी एट्टी वन, रूट में एट्टी वन, रूट एट्टी वन किसका होता है, नाइन का। तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्वेंटी अपॉन नाइन, ये मेरा प्रोजेक्शन ऑफ ए ओवर बी आ जाएगा। इस तरह अभी तक हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, डॉट प्रोडक्ट्स के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको अगर वीडियो समझ में आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ग्रो होने में थोड़ी हेल्प करें, जिससे आपको वो आपकी हेल्प कर सके। और मेरा यही लक्ष्य है कि आप सभी मैथ्स में अच्छे नंबर लाएँ और अच्छी तरह से पास हो जाए।